इसी वीडियो में मैं बनाऊंगा एक क्यूब बायोम क्राफ्ट सन में। बेसिकली ये ग्रीन कलर का बड़ा सा क्यूब होगा जिसे मैं ऐसे डेकोरेट करूंगा कि ये ओवरवर्ल्ड लगे। और ये रहे आज के शाउटआउट्स। तो बिना किसी फालतू इंट्रो के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि पिछली वीडियो में मैंने ये बड़ा सा विलेज बनाया था, यार पूरी हालत खराब हो गई थी इसे बनाने में। और अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से देख लो यार। मैं इस बड़े से क्यूब को ग्रीन वुल से बनाने वाला हूँ, क्योंकि जो ग्रास ब्लॉक होता है ना उसके साइड में डर्ट का टेक्सचर होता है तो वो अच्छा नहीं लगता। मुझे एक ऐसा क्यूब बनाना है जो कि सारी तरफ से ग्रीन कलर का होगा। तो इस टेस्ट में सारा का सारा वूल है, वैसे इनफ तो नहीं है लेकिन बाद में मैं कलेक्ट कर लूंगा। फिलहाल अभी जितना वूल है उससे हम बनाते हैं जल्दी से। ओके, तो यहाँ पर ये शीप्स है, इनसे मैंने वूल लिया है। अभी इन्हें मैं थोड़ा सा खाना देता हूँ और भी वापस इनसे मैं वूल निकाल लेता हूँ। ओके, तो ये जो लेके नाम है इसके ऊपर हवा में बनाने वाला हूँ वो क्यूब। और भाई मैं पूरा ऊपर आ चुका हूँ और यार नजारा देखो बस एक बार। तो बिना किसी बकबक के जल्दी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं क्यूब। थोड़ा सा और वूल कलेक्ट करता हूँ। तो अभी ग्रीन कलर का क्यूब कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर मैं एक घर बनाता हूँ। ओके, तो घर रेडी हो चुका है और मैंने इसके साइड में फार्म भी बनाया है और एक ट्री भी लगाया है यहाँ पे। एंड मैंने यहाँ पे साइड से कुछ तो बनाया है अच्छा लगेगा इसलिए। तो इस साइड पे मैं कुछ पेड़ बनाता हूँ। तो एक साइड पे पेड़ बन चुके, अभी मैं दूसरी साइड डेकोरेट करता हूँ। तो घर रेडी हो चुका है और यहाँ पर ना मैंने डोर की जगह ट्रैप डोर्स लगाए क्योंकि डोर ऐसे नहीं लगते। और कुछ पंपकिन भी लगा देता हूँ। एंड इसके साइड में अभी मैं पेड़ भी बनाता हूँ एक। तो ये साइड अभी कंप्लीट हो चुका है, ये भी थोड़ी सी अच्छी लग रही है। तो अभी मैं तीसरी साइड को भी डेकोरेट करता हूँ। और घर के साइड में नए मैं एक पेड़ भी बनाता हूँ अच्छा लगेगा। तो अभी मैं आखिरी साइड बनाता हूँ, यहाँ पर सिर्फ पेड़ ही लगेंगे। तो सारे साइड्स फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। ये रही यहाँ पे पहली साइड। तो इस साइड में मैंने एक घर बनाया और कुछ जैकोलेंटर्न लगाए हैं और इस साइड पे सिर्फ पेड़ ही है। यहाँ पर मैं ग्रास लगाना चाहता था लेकिन ऐसे नहीं लगती ग्रास। और इस साइड पे भी सिर्फ पेड़ ही है। और इस साइड पे मैंने एक और घर बनाया है और इसके साइड में और एक पेड़ लगाया है और ना मैंने कुछ हेबल्स भी लगाए हुए हैं। तो अभी मैंने नीचे आ चुका हूँ और यार नीचे से देखो कितना मस्त लग रही है। वैसे मैंने नीचे की साइड नहीं बनाई, रहने दो। और यार ये जो विलेज है इसकी वॉल सी गायब हो गई यार, और इसका ये पूरा आधा घर भी गायब हो चुका है, मालूम कहा चले गए। और ये कॉल कैसे आ गया यार, यहाँ पे विलेज में कॉल ब्लॉक्स कहाँ से आ गए, एंड वो भी इतने ऊपर केव्स की जगह यहाँ पर आ गए। यार ये ग्लिच है या क्या चीज है यार, डायमंड आ जाते कम से कम, कॉल कौन लाता है भाई, कैसा लग रहा है भाई ये, छोड़ो अभी। तो भी मैंने इस क्यूब में एक पोर्टल बनाई है जो कि हमें यहाँ पर लेके आएगी। एंड यहाँ पर एक चेस्ट भी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्डिंग का सामान है। मैंने ओवरवर्ल्ड में दो पोर्टल्स बनाए हैं और नेदर में भी दो बनाए हैं, और नेदर के ना एकदम पास पास है। तो अगर हम ओवरवर्ल्ड के एक पोर्टल में जाएंगे तो नेदर के दूसरे पोर्टल में जाने पर हम इस बायोम में आ जाएंगे। तो अभी क्यूब बायोम कम्प्लीट हो चुका है, मैं आपको इसका एक सिनेमेटिक व्यू भी दे देता हूँ। मालूम है ये इतना अच्छा नहीं है, बाद में हम इम्प्रूव करते जाएंगे यार। एंड हमारे अभी 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं क्या करूँ। हाँ, एक किंगडम बनाने का सोच रहा हूँ मैं, और अगर आपको कोई आइडिया होगा तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। सो मैं अभी आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।